नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम मेहुल है। और मेरा नाम योगिंद्र है। हम दोनों दोस्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है। एक दिन कॉलेज के फाउंटेन के पास बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में क्या करें। सोचा कि स्पेस टेक या रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ करते हैं, कुछ ऐसा बड़ा और रौनक करें जिससे हमारा माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। और बस उसी वक्त मुझे मेरे माँ का फोन आया और मम्मी ने कहा, बेटा घर आते समय एक पोछा लेके आना। अब मैं अपनी मम्मी को कैसे बताता जहाँ हम स्पेस टेक की बात करें, कहा आप मुझे पोछा लाने के लिए कह रहे हो। पर उसी मोमेंट हमें ये रियलाइज हुआ कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन वही सालों पुराना पोछा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इंडियंस को भी तो चाहिए पोछा 2.0, क्योंकि पोछा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से पानी, एनर्जी और एफिशिएंसी, इन तीनों का वेस्ट हो रहा है। और उसी वक्त हमने शुरुआत की कैस्पियन की, जहां हमने बनाया स्मार्ट मॉप। स्मार्ट मॉप एक स्मार्ट हाउसहोल्ड क्लीनिंग डिवाइस है जो आपके घर के पुराने पोछे को रिप्लेस कर देगा। शार्क्स, अगर आप देखें तो जितने भी आविष्कार हुए वो या तो कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मॉप में हुए या तो कोई कीमती टेक्नोलॉजी में। हमारा स्मार्ट मॉप टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबिलिटी का ये गैप ब्रिज करता है। स्मार्ट मॉप में है अडैप्टिव टेक्नोलॉजी जो कम से कम पानी में ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। इसमें है माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कंसिस्टेंटली वेट रहता है और आपके पोचे से ज़्यादा अच्छी सफाई करता है। शार्क्स, स्मार्ट मॉप अफोर्डेबल है और आपका क्लीनिंग टाइम आधा कर देगा। हम अभी तक 30 से भी ज़्यादा घरों में यूजर टेस्टिंग कर चुके हैं और अब हम मास मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे अनोखे इन्वेंशंस कर इंडिया से दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाएं। तो आज उसके लिए हमारी आस्क है 15 लाख रुपए फॉर 1% इक्विटी इन आर कंपनी। तो शार्क्स, अब अगर मम्मी कहे पोछा लेकर आओ तो खरीदना सिर्फ स्मार्ट मॉप। शार्क्स, अगर आपकी अभी इजाजत हो तो हम एक डेमो भी देना चाहेंगे। अनुपम को ट्रायल करना है। क्या है ना, आपने सीजन 1, 2, 3 देखा होगा ना, मोस्ट एंथुसियास्टिक शार्क फॉर डेमोज यूजुअली अनुपम होते हैं। मैं आके करूं मॉप? आप उनसे करवाइए। चलो आ जाओ, थोड़ा कॉफी गिरा दीजिए अच्छे से। एंड जस्ट फॉर फन वी विल आल्सो मेक इट अ बिट डर्टी। हां प्लीज मेक इट एज डर्टी एज यू कैन। This is an extra button which gives out more water, so you don't have to press okay. it. The device understands when the water needs to be spread out. Understood. तो जैसे आप देख रहे हो कि अनुपम जी कुछ भी डिवाइस बटन प्रेस नहीं कर रहे। शार्क्स, इसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए जो अनुपम जी के मूवमेंट को समझ रहे हैं और उस मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एरिया कवर हो रहा है और उसके बेसिस पे हम खुद ही अंडर इंटरनली स्प्रे कर रहे हैं। तो वो अपने आप स्प्रे हो रहा है पानी। yes. तो फिर बटन दिया क्यों आप? इन केस देयर इज अ हार्ट स्टेन। अच्छा, तो आपको पानी की अधिकता जरूरत पड़ सकती है। सो इट इज फेयरली क्लीनर। सॉलिड है ब्रो, इट्स प्रीटी गुड। आई विल कम टू द फीचर्स ऑफ इट। तो उधर एक 500 ml का वाटर टैंक है। इसमें आप चाहे तो अपना लिक्विड फिनाइल कोई भी मनपसंदीदा डाल सकते हो। 500 ml से आप तकरीबन 1300 स्क्वायर फीट क्लीन कर सकते हो। तो समझिए आपका एवरेज 2 BHK हाउस और अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो 3 BHK हाउस क्लीन कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जिससे आप अपनी सफाई कर रहे हैं। ये डिटैचेबल है, आप यूज के बाद निकाल सकते हैं इसे। तो मम्मी यूज कर रही है अब? यस। मम्मी का फीडबैक क्या है? इनिशियली शी वाज हेजिटेंट कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर 3-4 दिन होने के बाद मैं घर से लेके चला गया था उन्हें बिना बताए। तो उन्होंने फोन करके मुझे डांटा कि लेके क्यों चला गया, मैं यूज कर रही हूँ। तो हमने देखा कि शी डजंट वांट टू यूज एनी ट्रेडिशनल मॉप्स और फिर शी स्टार्टेड टेलिंग इट अबाउट इट टू हर फ्रेंड्स। भगवान करे तेरी मम्मी कभी हेडफोन बनाने को ना बोले। और वो भी स्पेस टेक छोड़ के आपने पोछे की कंपनी बना दी। रिन्यूएबल, यस। सो दैट्स व्हाट हमने शिफ्ट किया। तुम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे? तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? तुम कहाँ से आए हो? वो सब थोड़ा सा बता प्लीज। हम दोनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई किए। मैसूर में ये कॉलेज है। दोनों की एज 24 है, बैचमेट्स है। दोनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। और क्या किया उसके बाद, पढ़ाई के बाद? मैंने कॉलेज से एक प्लेसमेंट ली थी द मैथ कंपनी, जहाँ पे वॉलमार्ट हेल्थ एंड वेलनेस वॉज माई क्लाइंट। मैं उनके लिए डेटा एनालिसिस कर रहा था। एक साल हमने काम किया दोनों थोड़ा, सो दैट वी कैन सेव और हम लोग खुद से अपना इन्वेस्ट करके हम खुद ही ये बना सके। हमें फिर ग्रांट मिला और फिर हमें इसमें कूद पड़े कि अब तो ये सॉल्व भी करते हैं। कितने का ग्रांट मिला? 23 लाख। और अभी सिर्फ उतना ही रेज किया? हाँ। कितने टाइम पहले की बात है? 18 months। दिस इज स्टिल प्रोटोटाइप? नो, दिस इज नॉट अ प्रोटोटाइप। ये हमने टेस्ट सब कर लिया है। हम लोग अभी लैब में खुद से बना रहे बिकॉज ऑर्डर्स वे कमिंग इन एंड हमारी टीम वॉज एक्साइटेड। लेट्स जस्ट डिलीवर एंड अंडरस्टैंड कि क्या लोग फीडबैक दे रहे हैं। हमने खुद से एक सेंसर को ट्वीक करके हमारे यूज केस के लिए बनाया है।
पेटेंट फाइल किया है और एवरीथिंग दैट यू सी इज मेड इन आवर लैब. लवली इंडिजिनियस 3D प्रिंटेड द PCBs, इट्स ऑल मेड इन इंडिया. उससे तो महंगा बहुत हो जाता होगा ना. अभी हमें बनाने के लिए अभी 2700 रुपए लगता है लैब में और हम लोग जो इनिशियल कस्टमर्स है उनसे 4500 ले रहे हैं. जस्ट इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, वो जो आप बोल रहे थे अपने आप पानी निकलता है और अपने आप होता है, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई. वो शायद अपने आप हो रहा था, दैट्स व्हाई. बट इसमें और रेगुलर जो मॉप है, जो पोंछा छोड़ दो आप, आजकल घर घर में हम देखते हैं, इवन इन माई हाउस पीपल आर यूजिंग मॉप्स, राइट. उसमें ऐसा ही बॉटम रहता है और उससे भी वही काम होता है. ऐसा कोई 10x डेल्टा नहीं लगा मुझे, 2x भी नहीं लगा. तो व्हाट एम आई मिसिंग? अगर आप डेली मॉपिंग कर रहे हो, स्प्रे प्लंजर या आप जैसे भी बोल रहे हो, यू हैव अ बकेट टू कैरी अराउंड, दैट्स अ मैकेनिकल एफर्ट. आप जैसे बोले कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, दैट्स माय पॉइंट, इट्स अ सीमलेस एफर्ट दैट यू आर पुटिंग. नहीं, इसमें भी एफर्ट है बॉस, वेट काफी है मॉप में, अल्टीमेटली आई एम पुटिंग इन एफर्ट. सो द वेट इज 2.2 kgs एंड इट इज एक्चुअली अ लॉट, बिकॉज आप जो भी देख रहे हो ये हमने 3D प्रिंट किया है. एक बार हम ABS प्लास्टिक यूज करेंगे तो इसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, सो इट विल कम डाउन टू 1.6 kgs. बट पानी का वेट तो रहेगा जो नॉर्मल मॉप्स में कभी नहीं आता, वो 500 ml रहेगा. वो डर्ट जा कहां रहा है? मतलब मैं नॉर्मल सफाई करता हूं तो वो मैं बाल्टी में डालता हूं, फिर कपड़ा साफ करके फिर पोंछता हूं, यहां वो डर्ट जा कहां रहा है, वो समझाओगे? माइक्रोफाइबर जो है हमारे इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता है, US और जापान में यूज होता है. तो माइक्रोफाइबर कितने दिन में धुलना पड़ता है, कैसे चेंज करना पड़ता है? सो आफ्टर एवरी यूज यू कैन वॉश इट. टिपिकल अपार्टमेंट्स में इसका वो इनफ सफाई कर पाएगा? क्योंकि जो बाल्टी में पानी सफाई के बाद आता है उसमें काफी डस्ट दिखता है, उसमें बाल वाल भी होते हैं. मतलब हमने एक 30 घरों में यूजर टेस्टिंग किया था. हमने एक घर लिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक अपार्टमेंट लिया जहाँ पे डस्ट लोड कम है, और मेरे खुद के घर में और नॉर्मल साइज हाउस उधर भी किया, एक बंगलों में भी किया, सारे घर में आसानी से साफ हुआ. तो हमारे यूजर्स एक्चुअली झाड़ू लगाना थोड़ा कम कर रहे थे. वो बोल रहे थे कि जो माइक्रोफाइबर है उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आप स्वीप के टाइम निकालते हो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है. इतने सालों से जो स्पिन मॉप्स आए हुए हैं मार्केट में, पर आज भी मतलब 90% घरों में पोछा क्यों लगता है? वो अडॉप्शन मॉप का भी क्यों नहीं हुआ है? अभी जो स्पिन मॉप्स आप देख रहे हो एक्चुअली पैंडेमिक के बाद उसका एक्सप्लोजन हुआ है. हाँ, काफी अडॉप्शन बढ़ गया. Yes. नहीं, तो आप बोल रहे हो इसलिए क्योंकि लोगों को खुद करना पड़ा, एंड जब हेल्प करते हैं तो लोग सोचते नहीं है उनका लाइफ इजी करने के लिए. अगर आप महीने में देखो 30 दिन में आपकी बाइक कम से कम 5 से 6 दिन नहीं आएगी, उस दिन अगर उनको जब खुद से करना पड़ता है, they need something which is convenient and they are willing to pay that premium. इसका प्राइस कितना ड्रॉप हो जाएगा रिटेल में? अल्टीमेटली जब आप स्केल पे करोगे 3000 से कम नहीं हो, 2500 तक हम लेके आ सकते, फिर भी 3-4x. देखिए, आप जब डबल प्राइस चार्ज करते हैं तो दैट इज फॉर सम वैल्यू एडिशन. यहाँ आप कब से बोले जा रहे हैं ये स्मार्ट मॉप है, जितना पानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको बटन प्रेस नहीं करना है. मैंने यूएस में किया है, वो एक बटन प्रेस करके पानी आ जाता है, आप प्रेस कर लेते हो. ये इज दिस नीडेड? आपने यूएस की बात की है, ये हमें एक्चुअली अमेरिकन ने आके बोला है बैंगलोर टेक समिट में, दैट वी लाइक इट बिकॉज वी यूज स्विफर. स्विफर में डिस्पोजेबल वाइप्स होता है, वो वाइप्स बाइक करते हैं. It is a razor blade model. And we are like microfiber replace करना होता है ना? Every 6 months. Can you imagine रोज वो microfiber जैसे विनीता ने बोला उसमें बाल अटके, ये वो उसे साफ करो, फिर उसे वापस लगाओ. आपको लगता है वो microfiber 6 महीने तक wash करके reuse होगा in an Indian situation जहाँ बहुत धूल और गंदगी होती है? That's a very good question. हमारा फीडबैक ये रहा है लोगों से, उनको वो क्लॉथ नहीं क्लीन करना है, तो उसके लिए हम लोग एक क्लीनिंग स्टेशन भी बना रहे हैं, which I think can be जो क्लीनिंग स्टेशन बनाएंगे आप, वो तो माइक्रोफाइबर. Yes. ओए ओए. और सेंसर क्या कर रहा है? सेंसर क्यों लगाया? So, सेंसर 3-4 पैरामीटर दे रहा है, योर डायरेक्शन, योर स्पीड, हाउ यू आर मूविंग अबाउट, which helps us calculate the area you've covered. Bro, क्यों? Tell me one. क्यों? मुझे ना थोड़ा सा एक... क्यों चाहिए area cover? Because वो अपने आप तो नहीं जा रहा ना, वो रुम्बा की तरह like. Yes. हाँ, तो कोई उसको guide कर रहा है. Yes, area is very important because microfiber एक consistent wetness पे operate होना चाहिए. अगर microfiber 10 ग्राम का है, 16 ग्राम का वाटर उसमें होना चाहिए. उससे ज्यादा होता है तो स्वाम्पी होगा और आपका प्लेस मेसी हो जाएगा. देखिए, आप बहुत होशियार बच्चे हैं, यू आर ओनली 24, बट माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू इज यू शुड डिसकंटिन्यू दिस एंड यूज योर इंजीनियरिंग स्किल्स इन समथिंग एल्स. और मैं आपको बताती हूँ क्यों. नंबर वन, इसमें कोई स्मार्ट चीज नहीं है, जस्ट वाटर अपने आप निकलता है, वो एरिया कवर्ड थ्रू सेंसर्स पता चलता है. देयर इज नो रियल वैल्यू एडिशन फॉर डबल द प्राइस. सेकेंडली, माइक्रोफाइबर का ट्रस्ट मी इंडियन घरों में विद द गंदगी, आप क्लीनिंग स्टेशन भी बना दो, दैट्स एन एडिशनल एक्सपेंस. वो सबका झंझट जो है यू हैव नॉट थॉट इट थ्रू. थर्डली, ये जो आप हाउस होल्ड या टैम टारगेट कर रहे हो, राइट,
उनका अदर देन अ कोविड टाइम एंड दे हैड टू डू इट ऑन देयर ओन, दे हैव हाउस हेल्प टू डू इट. मुझे लगता है एज अ प्रोडक्ट इट इज नॉट ऑफरिंग एनीथिंग स्पेशल, डिफरेंट, न्यू वैल्यू एडिशन टू वॉरंट द नेम स्मार्ट. आई एम आउट. प्लीज रीथिंक कि अगर आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं. I want to come back to that sensor thing. Yes. आप बोल रहे हो सेंसर का पर्पस है कि रूम का साइज मेजर करके कितना पानी माइक्रोफाइबर में जाएगा वो डिटरमिन करना. नहीं नहीं नहीं, रूम सो वी कॉल इट अडैप्टिव बिकॉज आपकी, देखिए मेरी स्पीड ऑफ क्लीनिंग ज्यादा हो सकती है, मम्मी की थोड़ी कम. सो इट इज अडैप्टिंग टू हाउ मच एरिया यू आर कवरिंग. इट इज नॉट मैपिंग द हाउस, इट इज मैपिंग योर स्पीड. मुझे समझना पड़ता है क्या स्पीड पे डालू या क्या कब स्प्रे करूँ. हमने वो एलिमिनेट कर दिया और आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस दिया. आई लव द नेम एंड द ब्रांड कैसियो. बहुत अच्छा सोचा है आपने. द वे यू पोजिशन द प्रोडक्ट काफी एस्पिरेशनल लग रहा है. इवन आप जो बारीकी से इंजीनियरिंग किया है ना आपने एक एक चीज का, कमाल की इंजीनियरिंग. बट आई थिंक एट सम एक्सटेंट ये ओवर इंजीनियरिंग हो रही है. आप इसको बहुत इंजीनियरिंग माइंड से देख रहे हैं. मैं एडवाइस आपको करूंगा कि आप इसको यूजर परस्पेक्टिव से देखें. वो ये देखते हैं कि मुझे बेनिफिट क्या मिल रही है और इसका मेरे को कॉस्ट क्या लगेगा. यू थिंक लाइक एन इंजीनियर, मोस्ट पीपल डोंट थिंक लाइक दैट. तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपकी कमजोरी बन रही है. आप समझ रहे हो मेरी बात. तो मैं इससे आउट हूँ. आई डोंट सी अ यूज केस और अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एज येट. गुड लक, आई एम आउट. आपको इतनी बार सब लोगों ने पूछा कि लोग पोछा से मॉप क्यों नहीं जा रहे हैं. आप उसमें भी एक यूनिक इंसाइट अपने कंज्यूमर की दे नहीं पाए. आई कैन नॉट बिलीव इट इज ओनली अफोर्डेबिलिटी. आई एम श्योर कुछ तो एंगल है वहाँ की सफाई ठीक नहीं होती है. कन्विक्शन नहीं आता है कि ये साफ हुआ है. कोई फीलिंग ऑफ सफाई वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. मार्केट को लेके बिल्कुल खोए हुए हैं आप. तो इसलिए आज मुझे एज फाउंडर्स लग नहीं रहा आप रेडी हैं फंड रेजिंग के लिए. तो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मार्केट फिट में, जिस मार्केट को आपने आज बोला कि एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड की सफाई के लिए आपने अपना पिच शुरू किया था, उस हाउसहोल्ड में मुझे इसका फिट नहीं दिख रहा है. उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा. बट आप लोगों का इंजीनियरिंग मैं बोलूंगा जो जिस फाइन लेवल के साथ काम करते हो, आई एम होपिंग जितने यंग हो आप लोग इस फाइन लेवल को किसी ना किसी जगह आप लोग राइटली फ्यूचर में यूज करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे. यार आप लोग बड़े पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हो. 24 इयर्स के मासूमियत है आपके अंदर. मेरे हिसाब से एक बिजनेस माइंडेड को फाउंडर की जरूरत बहुत जरूरी है आज की डेट. जैसे सबने ही बोला है ना, इंजीनियरिंग माइंड सेट आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको अभी कंज्यूमर इंडिया में धंधा कैसे कर रहा है अभी तो वो सब चीजें भी आएंगी. तो आपने कभी नहीं सोचा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या आएगी. वी वांट गाइडेंस, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हमें आगे क्या करना है. इसलिए हम शार्क टैंक में आए हैं. तो इसको चलने के चांसेस इंडिया में कम है, फ्रेंकली बता रहा हूं. और आपका क्या माइंड किया था कुछ और क्या बनाऊं. सर अभी के लिए तो यही है कि वी हैव टेकन अ प्रॉब्लम, वी वांट टू सॉल्व दिस. मैं आउट हूं. आई वाज जस्ट लुकिंग बिकॉज़ दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम आई फील इज टू बी सॉल्व. ये वाले प्रोडक्ट में मैं नहीं आ पाऊंगा. बट अगर कुछ नेक्स्ट बनाओ तो प्लीज याद रखना. मायूस मत होइए. यू आर वेरी ब्राइट इंजीनियर्स, वेरी स्वीट बॉयज. हमारा यू नो इट्स आवर ड्यूटी टू गिव यू दिस फीडबैक. So take it in the right spirit. Stay hungry, stay foolish. आप लग रहे हो कि लंबे रेस के घोड़े हो and you'll do very well. Yes. Good luck. Thank you, Sharks. Thank you. Bye.